गुरु नानक देव जी को सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। इन्हें लोग नानक जी, नानक देव, बाबा नानक तथा नानक शाह आदि नामों से भी जानते हैं। गुरु नानक देव जी अपने उपदेशों के माध्यम से हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने तथा सभी को सत्य के मार्ग पर चलने के उपदेश दिए हैं। आज हम गुरु नानक देव जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जेहु जाड़ा आखा नाही, कहना कथनों न जाए। अर्थ, इस दोहे में गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ईश्वर की ज्योति को जान लेने पर उसे शब्दों में व्यक्त कर सके। वो तो कथन से परे है, जिसे केवल हृदय में अनुभव किया जा सकता है। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आपे निरंजनु सोए। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, वो अजन्मा, निराकार, मायातीत तथा अनंत है। ऐसा नामु निरंजनु होए, जे कोई मन जाने मन कोय। अर्थ, इस दोहे में गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करता है उसका आनंद तो वह स्वयं ही बता सकता है। अन्य कोई व्यक्ति प्रभु की भक्ति से मिलने वाले आनंद का वर्णन नहीं कर सकता है। रमी आवे कपड़ा, नदरी मोखू दुआरू, नानक अवे जानिए सभु आपे सचियारू। अर्थ, नानक देव जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें यह शरीर मिलता है। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो इसके लिए प्रभु की भक्ति करनी होगी। इसलिए हमें अपने सारे छल कपट को दूर कर हमेशा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। कावी सुनिए मन रखिए बाहु, दुखु परिहर सुखु घर ले जाई। अर्थ, गुरु नानक देव जी मानते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है मान प्रतिष्ठा सब मिलती है, इसलिए हमेशा उसके गुणों का यशगान करते रहना चाहिए। जेती सिरठी उपाई वेखा, विणुकर्मा की मिले लई। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में हमें जो कुछ भी मिला है वह सब अपने कर्मों से ही मिला है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें कर्म अवश्य करना पड़ता है, इसलिए प्रभु की प्राप्ति बिना कर्म किए कैसे संभव हो सकती है। परंतु किसी भौतिक वस्तु की चाहत में किए गए कर्म व्यर्थ है। तीर्थ नावा जेत सुभावा, विणु भाणे की नाई करी। अर्थ, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमारा तीर्थों में स्नान करना तभी सार्थक है जब यह प्रभु को मंजूर हो। बिना प्रभु की मान्यता के तीर्थों के स्नान का कोई अर्थ नहीं है। फेरी की अग रखिए जितु दिस दरबारू, मुंहों की बड़ बोलिए जित सोनी धरत प्यारू। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें यह ज्ञात नहीं है उसे क्या अर्पण किया जाए जिससे वो दर्शन दे। हम उसे कैसे याद करें, उसका कैसे गुणगान करें कि वो प्रसन्न होकर हम पर कृपा करे। मने मोहे चौटा न खाए, मने जम के साथ न जाए। अर्थ, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है वो काल मृत्यु के घाट से भी सुरक्षित रहता है। वो मौत के मुंह में जाने से बच जाता है, वो अमरता को प्राप्त करता है, उसे मृत्यु दूत नहीं ले जा पाते हैं। साचा साहेबु साचू नाई, भकिया बाहु अपारू, आकही मंगहे देही देही, दातिक करे दातारू। अर्थ,
गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, उसका नाम सत्य है। अलग विचारों और भावों तथा बोलियों से उसे भिन्न नाम दिए गए हैं। प्रत्येक जीव उसके दया की भीख मांगता है तथा सब जीव उसकी कृपा के अधिकारी हैं। वह भी हमें अपने कर्मों के अनुसार अपनी दया प्रदान करता है। मने तरे तारे गुरु सिख, मने नानक भवे न भीख। अर्थ, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर ईश्वर की भक्ति करता है, वह तो स्वयं संसार रूपी सागर को पार कर ही जाता है। वह अपने साथ सभी गुरु भाइयों को भी तार देता है। नानक जी का विश्वास है कि वह 84 लाख योनियों में नहीं भटकता है, उसमें तब किसी तरह की इच्छा भी नहीं रह जाती है। मने पावहे मोखु द्वारु, मने परवारे साधारु। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने वाला मुक्ति मोक्ष का अधिकारी है। वो अपने पूरे परिवार को भी ईश्वर के सानिध्य में लाकर उन्हें तार देता है। कागद कलम न लिखण हारू, मने काबहे करण विचारू। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसी कोई कागज और कलम नहीं बनी है और ना ही कोई ऐसा लिखने वाला बना है जो प्रभु के नाम का यशुगान कर सके। गुरा इक देही बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो में विसरी न जाए। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं कि सभी जीवों का सृष्टिकर्ता केवल परमात्मा है। उस परम पिता को हमें सर्वदा याद रखना चाहिए। उम्मीद है आपको गुरु नानक देव जी के दोहे अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।